हाई गाइस, दिस इज सनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी सनी। सो फाइनली बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे कोई वीडियो आ रही है, तो प्लीज़ अपना जो वो पुराना वाला सपोर्ट है ना यार, वो बनाए रखना एंड सपोर्ट करो यार। 3 महीने हो गए वीडियो डाल रहा हूँ एंड बस 85 सब्सक्राइबर्स यार, कुछ तो रहम करो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के बारे में, 2022 से हम कंपेयर करेंगे इस साल को कि क्या वाकई में बॉलीवुड ने कमबैक कर लिया है एंड कर लिया है तो कैसे, बिकॉज 2022 में अगर आप देखो तो उस साल की जो हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी वो थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 234 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था हिंदी वर्जन से। बाकी अगर आप तमिल तेलुगु से मिला दो तो ज़्यादा होता नहीं है, वो लगभग 10-15 करोड़ होगा ज़्यादा, बट 234 करोड़ का उसका नेट कलेक्शन था। एंड वहीं इस साल पठान रिलीज़ हुई साल की शुरुआत में ही एंड उसने 524 करोड़ का कलेक्शन किया सिर्फ अपने हिंदी वर्जन से। एंड अभी गदर 2 के कलेक्शंस तो आप देख ही रहे हो, एंड हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखो तो हो सकता है गदर 2 के कलेक्शंस पठान से ज़्यादा हो, बट फिलहाल अभी गदर 2 के कलेक्शंस 300 करोड़ से ज़्यादा है एंड अभी तो बहुत टाइम बाकी है। एंड वैसे बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई पठान के बाद, जैसे कि तू झूठी मैं मक्कार रिलीज़ हुई रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर की, उसने भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन किया। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई, उसने भी 200 करोड़ से ज़्यादा का ही कलेक्शन किया था एंड ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद ज़रा हटके ज़रा बचके रिलीज़ हुई, जिसके बारे में किसी को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल भी सकती है, पर इसके बावजूद उस फिल्म ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अपने कॉन्टेंट के दम पे। एंड वो इसलिए भी शायद आज के टाइम पर जो फैमिली वाली जो कॉमेडी मूवीज़ है, फैमिली कॉमेडी मूवीज़ जिनको आप अपने फैमिली के साथ जाओ देखो इन्जॉय करो, वैसी फिल्में चल रही हैं, वैसी फिल्में ट्रेंड में हैं। सो ज़रा हटके ज़रा बचके भी सुपर हिट रही, उसने भी तकरीबन 85 करोड़ का बिज़नेस किया। देन कार्तिक आर्यन की फिल्म रिलीज़ हुई सत्य प्रेम की कथा, उसने भी 80 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। ये मैं आपको नेट कलेक्शंस बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इससे ज़्यादा ही होंगे, तो उसने 80 करोड़ का कलेक्शन किया एंड वो भी हिट रही। और उसके बाद करण जौहर की फिल्म रिलीज़ हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एंड वो कैसे फ्लॉप हो सकती थी यार, करण जौहर की तो सभी की सभी फिल्में हिट हैं। सो रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी तकरीबन अभी 143 करोड़ के कलेक्शंस पे है एंड वर्ल्ड वाइड वो फिल्म 300 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है एंड ओवरसीज़ में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर है, 130 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया उसने ओवरसीज़ में। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में इंडिया में उतने कलेक्शंस नहीं कर पाती जितना कि करण जौहर की फिल्में ओवरसीज़ में करती हैं, तो वो फिल्म भी सुपर हिट हो गई है। एंड अभी गदर 2 का तो आप क्रेज़ देख ही रहे हो, तो यानी कुल मिलाकर 8 फिल्में हैं इस साल जो कि हिट हो चुकी हैं। एंड इसके बावजूद अभी जवान का रिलीज़ होना बाकी है एंड ड्रीम गर्ल 2 भी आ रही है, डंकी है, टाइगर 3 तो यार मुझे लगता है गदर 2 जो रिकॉर्ड बनाएगी ना उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी टाइगर 3, और उसके बाद फिर वॉर 2 है एंड बाकी फिल्में तो आ ही रही हैं। आदिपुरुष भले ही फ्लॉप ही लेकिन उसके कलेक्शंस भी हिंदी वर्जन से ठीक ठाक थे, भगवान श्री राम के नाम पे उसने पैसा हिंदी वर्जन से ठीक ठाक छाप लिया था, बट फिर भी वो फिल्म डिज़ास्टर ही रही। एंड कंटेंट का तो यार पूछो मत, इतनी बड़ी घटिया फिल्म थी वो, मैं बता भी नहीं सकता। बट खैर गदर 2 मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये फिल्म इतने अच्छे कलेक्शंस करेगी, बट ये फिल्म वाकई में बहुत ही अच्छे कलेक्शंस कर रही है। और इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड का कमबैक नहीं हुआ है तो इंतज़ार करो, अभी जवान रिलीज़ होने बाकी है, टाइगर 3 का आना बाकी है, गणपत आ रही है, इसके अलावा डंकी आ रही है साल के एंड में, और उसके बाद फिर बड़े में या छोटे में रिलीज़ होगी, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, वॉर 2 है, बहुत सारी बड़ी फिल्में अभी रिलीज़ होनी बाकी ही है। एंड अगर मैं इसको 2019 से भी कंपेयर करूँ ना, तो 2019 के हिसाब से भी ये साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, बिकॉज 2019 में भी किसी फिल्म ने 300-350 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया था, वहाँ तक तो पहुँची ही नहीं थी, मतलब शायद से कोई फिल्म पहुँच भी गई होगी, बट अब तक की जो बॉलीवुड की हिंदी वर्जन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज है ना वो है पठान, जिसने 524 करोड़ का कलेक्शन किया था, एंड उसके बाद है दंगल, जिसने हिंदी वर्जन से 384 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड इसके बीच में जो मूवीज़ हैं जिसमें से KGF 2 है जिसने कि 430 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था, एंड बाहुबली 2 है जिसने 510 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड इस सब के कलेक्शंस को तो खैर गदर 2 तोड़ ही रही है। एंड इसके बाद फिर टाइगर 3 रिलीज़ होनी बाकी है दिवाली में, वो फिल्म तो अलग ही बम फोड़ेगी। तो 2019 हो या उससे पहले के सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो बॉलीवुड अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारी फिल्में हैं इस साल की भी जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, बट अगर वो फिल्में अच्छी होती तो शायद वो भी बॉक्स ऑफिस पर चल सकती थी, जैसे कि ड्रीम गर्ल 2, इसकी अभी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है एंड एडवांस बुकिंग में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है फिल्म, एंड शायद से ये फिल्म भी हिट हो जाए बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि गदर 2 अभी इतनी ज़्यादा चल रही है तो आई डोंट थिंक अभी ये कहना सही होगा कि ड्रीम गर्ल 2 हिट होगी भी या नहीं, बट ऑब्वियसली पार्ट 1 इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड बहुत लोगों को पसंद आया था,
हो सकता है कि ड्रीम गर्ल 2 भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे पैसे छाप ले एंड हिट क्या सुपर हिट भी हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे लोग ये फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी मूवीज़ देखने जा रहे हैं। सो ये सब देखते हुए एंड आगे का जो सिनेरियो है, जो बॉलीवुड मूवीज़ आ रही है इतनी बड़ी, उनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड का कमबैक हो चुका है। एंड कमबैक की शुरुआत शाहरुख खान ने ही कर दी थी 2023 की शुरुआत में पठान के साथ, एंड साल का एंड भी होगा शाहरुख खान के धमाके के साथ यानी डंकी के साथ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे फेवरेट एक्टर एंड फेवरेट डायरेक्टर साथ में आ रहे हैं। तुम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।